तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मास्क पहन के ये बंदा कहाँ दर बदर भटक रहा है। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस समय यहाँ पे मेलबर्न विक्टोरिया में 7 डेज का सर्किट ब्रेकर लॉकडाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 3-4 डेज में ऑलमोस्ट 26 न्यू लोकल केसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेज 4 रेस्ट्रिक्शन वाला हार्ड लॉकडाउन हो गया। तो इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम जगह क्लोज्ड हैं और सिर्फ 5 रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग घर के बाहर निकल सकते हैं। जो वन ऑफ द मेन रीज़न है वो है फूड एंड सप्लाइज, जिसके लिए मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पे सामने कोल्स नाम का सुपरमार्केट है जो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, मैं वहाँ पे घर का सामान लेने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोग घर के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी मित्र या सहपाठी के साथ अगर आप एक्सरसाइज करने जाना चाहते हैं तो आप 2 घंटे के लिए मात्र घर के बाहर निकल सकते हैं कुश्ती ते एक्सरसाइज करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप वैक्सीनेशन या टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आप घर के बाहर जा सकते हैं। और ऑथराइज वर्क, जैसे कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या फिर एसेंशियल जो वर्कर हैं, वो लोग घर के बाहर जा सकते हैं। तो गाइस, ये वन ऑफ द रीजंस है जिसके लिए आप लोग घर के बाहर जा सकते हैं। तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। 7 डे लॉकडाउन है जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अगर केसेस 0 हो जाते हैं तो ये लॉकडाउन और एक्सटेंड नहीं होगा। और अगर लेकिन केसेस जिस हिसाब से चल रहे हैं, जैसे कि आज 4 न्यू केस आए हैं, तो अगर ये जो हिसाब ऐसे ही चलता रहा तो शायद लॉकडाउन और एक्सटेंड हो जाए। और क्योंकि मैं स्टोर पे आज स्टोर मैनेजर काम करता हूँ और हमारा जो फ़ोन कंपनी है तो वो एसेंशियल में नहीं आती है, तो इस वजह से हमारा क्लोज्ड है। तो मैं अगले 7 दिन घर पे ही हूँ। तो यहाँ पे यार मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे यहाँ पे जितने भी ये जो कैफ़े हैं, जिम है, ये एनी टाइम फिटनेस, ये भी क्लोज्ड है क्योंकि एसेंशियल में नहीं आता है ये। इसके अलावा जो फार्मेसी है वहाँ पे, वो ओपन है। नूडल टाउन जो है ये ओपन है लेकिन सिर्फ क्लिक एंड कलेक्ट के लिए। जो ये यहाँ पे मेरे पीछे जो ये नेल्स की स्पा वैक्सिंग आई लैश की जो शॉप है, ये भी क्लोज है गाइस। तो जो लड़कियाँ अपनी सुंदरता जो निखारना चाहती हैं, वो मामला ख़त्म हो गया है गाइस, वो मामला नहीं रहा। तो मैक्सिमम लोग जो मेकअप करके बाहर निकलते हैं, उनने तो वैसे ही बाहर निकलना बंद कर दिया है क्योंकि उनकी असली जो शक्ल है वो नजर आ जाएगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ और क्या क्या चल रहा है। ये क्रेमे जो है, ये कैफे है हमारे घर के बिल्कुल पास, 100 मीटर दूर। और यहाँ पे सेम हिसाब चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक एंड कलेक्ट है। तो आप यहाँ पे आके कॉफ़ी, चाय, मस्का, खाने का सामान, व्यंजन, वो ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के बाद आप कलेक्ट करने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बैठ के नहीं खा सकते, बैठ के खाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा गाइस, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, फेस मास्क, वो अब कंपलसरी हो गए हैं। अगर आप लोगों ने मास्क नहीं पहना या जितने भी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, अगर इसका आपने उल्लंघन किया, अगर आपने ये ब्रेक किए, तो यहाँ पे विक्टोरिया में जो स्टेट है, यहाँ पे जो लॉज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और अगर आपने रूल ब्रेक किया तो आपको तगड़ा फाइन लग सकता है गाइस। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक और जो मेन रूल है वो है 5 किलोमीटर रेडियस का, जिसका मतलब है कि आप लोग अपने घर के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बाहर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सिर्फ एक रूल है जिसकी वजह से आप 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके बियॉन्ड आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो है कि अगर आपके इंटीमेट पार्टनर, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव्ड वंस, आपके इश्क मोहब्बत के लिए आप लोग
ये 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो ये जो दीवार है, इसे तोड़ के आप निकल सकते हैं गाइस प्यार के लिए। तो ये जो प्यार के लिए जो विक्टोरिया ने, जो गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है, उससे जितने भी ये आशिक आवारा जो हैं, इनके मन में एक अलग सी उमंग जाग गई है, फिर से प्यार करने की तमन्ना जाग गई है। और जिनकी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो गाइस वो भी 5 किलोमीटर प्यार के लिए यहाँ से वहाँ 5 किलोमीटर के बाहर भटक सकते हैं प्यार की तलाश में। हालांकि मुझे लगता है उसमें पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्यार के लिए वो लोग भटक सकते हैं लूर लूर। गाइस अब आगे बढ़ते हैं। गाइस ये चौथी बार यहाँ पे लॉकडाउन हो रहा है, और लास्ट 1 ईयर जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे 4 टाइम्स हार्ड लॉकडाउन हो चुका है। और जब भी ये लॉकडाउन होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जो सुपरमार्केट्स हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, वो बंद नहीं होते कभी। लेकिन यहाँ पे भी लोग जो हैं वो एक नंबर के पागल बावड़े हैं। उन्हें लगता है कि भाई सब बंद होने वाला है, धरती तबाह होने वाली है, सबसे पहले क्या ख़रीदा जाए। तो लोग जब भी यहाँ पे लॉकडाउन होता है सबसे पहले यहाँ पे क्या ख़रीदने आते हैं, वो अंडे, चाय, दूध, ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं, खान पान का सामान, सब्जी, फ्रूट्स, ये भी ख़रीदने आते हैं वो लोग। सबसे पहले वो लोग क्या ख़रीदते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। जो एज़ यूजुअल इस बार भी ख़त्म हो गई है, उसकी हालत एकदम टाइट हो गई है, और वो सामान है सरप्राइज टॉयलेट पेपर गाइस। ओह माय गॉड, वाओ, टॉयलेट पेपर। इस बार फिर भी थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन लास्ट 3 बार भी यही हुआ था, और फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो लोग बिल्कुल पागल हो गए। लोगों को लगा कि भैया क्या करेंगे घर पे रह के, टॉयलेट तो जाना ही है। तो गाइस मेरे पीछे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं अंडे लेने आया था, और मैं आपको ये पीछे दिखाता हूँ कि अंडे जो है उनकी क्या। तो गाइस अंडे भी ऑलमोस्ट एकदम ख़त्म हो गए हैं, मतलब लोगों ने लूट मचाई है। जबकि गवर्नमेंट ने हर बार ये बोला है, जो विक्टोरिया गवर्नमेंट है उनने क्लियरली ये बहुत बार बोला है कि जो जितने भी सुपर मार्केट है ये बंद नहीं होंगे, ये खुले रहेंगे, इनकी जो नॉर्मल आवर्स हैं ये उसके हिसाब से खुले रहेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग यहाँ पे दूध पे अंडे ये सब लेने के लिए इतने ज़्यादा बावले क्यों हो जाते हैं। यहाँ पे गाइस एटलीस्ट दूध तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अनलाइक ये देखिए आप, दूध यहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। चलो एक ले लेते हैं हम भी। गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉयलेट पेपर के चक्कर में जो किचन रोल होते हैं, जो किचन के जो नैपकिन होते हैं, भी कसम से लोगों ने नहीं छोड़े। ये सोचा लोगों ने कि अगर हम लोग आज टॉयलेट पेपर यूज़ कर ले तो भी काम चल जाएगा। अरे भैया पेपर में होना चाहिए बस, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किचन का नैपकिन हो या कुछ भी हो, जो साफ़ सफाई वो पूरी होनी चाहिए गाइस। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें और क्या सामान खरीदना है। तो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं आपको पहले बताना भूल गया, वो है कि जो यहाँ पे जो नया जो रिसेंट जो स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का, जो अभी फैला है यहाँ पे इस बार, ये गाइस ये है इंडियन स्ट्रेन, जो इंडिया में इस समय स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे आ गया है इस समय, और उसे बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं अनलाइक जो पहले जो कोविड था उसके मुकाबले, ये 24 आवर्स में इसके जो सिम्टम्स वो नज़र आने लग जाते हैं। दारूबाज हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, जो पिस्ता चकना खरीद लेगा इस शौक लोगों के पूरे ना जब ख़त्म नहीं होते कोविड में भी। तो गाइस हमेशा जो मेरी बीवी है वो मुझे हमेशा बोलती रहती है कि तुम मुझे कुछ गिफ्ट नहीं लेके देते, तुम मुझे कभी कुछ बुके, कुछ फ्लावर्स, कोई गुलदस्ता नहीं देते कभी। गाइस तो आज मैंने उसे खुश कर दिया, आज मैंने उसके लिए ख़रीद दिया गुलदस्ता। ये देखिए गाइस ये रहा, ये केल का जो है सब्जी का जो गुलदस्ता है, ये आज मैं जाके उसे पेश करूँगा, और फिर मैं देखूँगा कि उसके बाद मुझे जो मेरे बाएँ गाल पे कि मुझे दाएँ गाल पे धरती है वो देखते हैं गाइस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और गैस कीजिए गाइस कि कौन से गाल पे मुझे पड़ा है। गाइस सामान खरीद लिया हमने, मैं अकेले ही आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक हाउस होल्ड से सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है यहाँ पे सुपरमार्केट में सामान खरीदने, पूरी जो है ना पलटन घर की वो नहीं आ सकती सामान लेने के लिए, सिर्फ एक बंदा दिन में एक बार आ सकता है। तो गाइस ये पीछे जो है सुपरमार्केट ये है, और अब थोड़ा सामान रीस्टॉक हो गया और लोग भी इस समय ठीक ठाक हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। और
गाइस कोविड का एक ये है चक्कर कि एक बस केस आना होता और वो जितनी तेज़ी से फैलता है आपकी तरह, तो गाइस वही यहाँ पे भी हुआ है। बस ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो उस वजह से यहाँ पे जो केसेस हैं अगर वो 20-30-40 पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे एक खौफ सा मच जाता है, और इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ मुश्किल हो जाता है। पर ट्राई सब लोग कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ फाइनली हम लोग जो घर है वहाँ पे आ गए। ये हमारा गेट है, ये जो गेट है ये गाइस ये हाई लेवल सिक्योरिटी है कि इस गेट को ना कोई तोड़ के आ नहीं सकता गाइस। टाप के इसके ऊपर ज़रूर आ सकता है कोई छोटा बच्चा भी, लेकिन सिक्योरिटी अगर गेट बंद कर देंगे तो कोई नहीं आ पाएगा इसके अंदर गाइस। ऐसी हाई लेवल की सिक्योरिटी है हमारे घर में। फाइनली यहाँ पे आ गए, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। और भी कुछ अगर आप देखना चाहते हैं मेलबर्न के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और शेयर करिए गाइस ये वीडियो, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एक छोटा सा वो जो बटन है ना उसको लगा दीजिए, उसको दबा दीजिए, आप लोग का तो सिर्फ आधा सेकंड से भी कम जाएगा गाइस, लेकिन मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिलेगी जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं।